डेवलप क्या, वही तो पूछ रहा हूँ, डेवलपमेंट है क्या, डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, डेवलप क्या है आपके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंगली डेवलप ये है, आपको छोड़ दिया जाए. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. मैं गोल्स की बात कर रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ. गोल्स क्या है, लोगों की नीड्स एस्पिरेशंस डिफरेंट है. जसलीन की वहाँ डिफरेंट है, सुरेंद्र सिंह की यहाँ अलग है, और वहाँ अखिलेश उपाध्याय की डिफरेंट है, वंशिका नागपाल की डिफरेंट है, विच हैज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन. आप क्या कहोगे, डेवलपमेंट है क्या आपके अकॉर्डिंगली क्या? आपने कह दिया नो डाउट विच कैन बी एज अ मेजर इज अ ग्रोथ. सेट प्रॉपरली दिव्या, यस. Are you considering yourself as a developing child? No? Yes. Are you a grown-up child? No? This is a new thing. It means when the Vanshika Nagpal entered in a school education in a nursery class, it was as the this much of the age. Nursery class mein itna bada bachcha jab baithega, kaisa lagega? Aur uske 12 saal baad bhi utni hi height rahi. To growth nahi hui uski. Wahi par ruki rahi. Aap keh rahi hai, main nahi keh raha hu. वंशिका इज अ ग्रोन अप चाइल्ड, वंशिका इज ऑल्सो अ डेवलपिंग चाइल्ड. वंशिका का हाइट फिजिक इंप्रूव हो रहा है, प्लस वंशिका की कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो रही है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है. इंप्रूवमेंट इज एफिशिएंसी इज योर डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट इज योर एफिशिएंसी इज योर डेवलपमेंट, चेंजेस इन योर फिजिक इज योर ग्रोथ. कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन व्हेन इट हैज इंक्रीजिंग इज अ ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, ग्रोथ ऑफ इंडिया, एंड इंडिया इज ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्री वेयर द सर्विसेज आर इंप्रूव सिंस लास्ट 70 ईयर्स. At the time of our independence, the medical facilities were poorer. Large number of people, these were died due to as a poor medical facilities. But now, after as a such number of years, medical facilities improved, death rate controlled well. People are still as a large number of people, they are taking as a birth. Birth rate is constantly as a higher, but the death rate controlled. Uska karan kya hua? Life expectancy badi hai, security is badi hai logon ke liye. People are prefer to live in India. ठीक है ना? Security is badi hai, development hi hui hai. डेवलपमेंट यही नहीं है कि लोगों की इनकम ही बढ़ी है, दूसरे आसपास उनका हेल्थ एजुकेशन स्टेटस भी इंप्रूव हुआ है पिछले 70 साल में, वो भी चेंजेस आए. नहीं, बर्थ रेट तो पहले से बढ़ रहा है, बर्थ रेट तो जब से पॉपुलेशन आप इंडिपेंडेंस थोड़े इंडिपेंडेंस से पहले भी बर्थ रेट हाई था, ठीक है, पर उस टाइम बर्थ रेट हाई था तो डेथ रेट भी हाई था, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी. मोस्टली फैमिलीज के अंदर जो मोस्टली फैमिलीज होती है उनमें 10 to 15 किड्स नॉर्मली होते. कारण ये था, out of the such 15 kids, really 1-2 kids cross the age of 30 years. Medical facilities, बीमारियों से protection के लिए कुछ नहीं था, facilities नहीं थी. Mostly people, children, they might die under age group of 30 years. Proper diet नहीं मिलती थी, education नहीं थी, awareness नहीं थी. अब independence के बाद health facilities improve हुई हैं, उसका impact क्या पड़ा? Birth rate तो continuously बढ़ रहा है, death rate control हो गया. ठीक है ना? Death rate control हो रहा है. Population बढ़ेगी, birth rate continuously बढ़ेगा और death rate control हो जाएगा. पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें लोगों को मारना शुरू कर देना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल कर. वी हैव टू फाइंड आउट एज अ वे टू वी कैन कंट्रोल द बर्थ रेट. बर्थ रेट को कंट्रोल किया जाए, जैसे चाइना की एग्जांपल है. इन चाइना इफ अ पर्सन एंड एनी फैमिली हैविंग एज अ टू किड्स, इट कांट बी बेनिफिशियल फॉर अ गवर्नमेंट जॉब्स. गवर्नमेंट फैसिलिटी उसे कोई नहीं मिलेगी, जैसे पेंशन है, गवर्नमेंट जॉब है, वो नहीं मिलेगी. अगर किसी फैमिली में दो बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, जहां एक बच्चा है, दे कैन बी एज अवेल द गवर्नमेंट. सॉरी, हाँ, बच्चे को नहीं मिलेगी, फैमिली की बात की जाए. ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं. आप एक्सेप्शनल केसेस की बात करती हैं दिव्यांशी, तो मैं कह रहा हूं आपको समझ नहीं आ रहा. मैं कह रहा हूं रूल उन्होंने फॉलो किया, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा? चाइना कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, जिसके 3 हो गए, किसके 4 हो गए. आप फॉलो करो ट्रेंड क्या है. रूल्स पॉलिसीज इंडिया में भी बन रही है, चाइना में भी बनी. इंडिया में पॉलिसी 1986 में बनी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में बनी, पर उसके बाद भी बर्थ रेट कंट्रोल नहीं हुआ, स्टिल एज अ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है. रीजन क्या है? स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ पॉलिसीज, इट्स नॉट पॉसिबल इन इंडिया. ठीक है, और उन पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए. जो ये टू किड्स का रूल था, ये 1986 में आया था, हम दो हमारे दो, दिस वाज अ स्लोगन गिवन बाय द प्लानिंग कमीशन, एवरी फैमिली इट विल पोजेस अ टू किड्स. ठीक है ना, अब किसी के 3 हो जाए तो उनको कंट्री से थोड़ा बाहर निकाल दें या गोली मार दें, ऐसा थोड़ा ना होगा. ठीक है, इट्स अ नेचर. हाँ, फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, इंसेंटिव्स नहीं मिलेगी, ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा चाइना. और आफ्टर 2045 इंडिया ट्रेस पास द पोजीशन ऑफ चाइना, इट विल बी इट बिकम एज अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इंडिया. अब 2021 चल रहा है, अगले 25 साल के अंदर.
इट विल क्रॉस द पोजिशन ऑफ अ चाइना, अगर इसी रेट से बर्थ रेट हाई रहा, ठीक है ना। चले आगे, लैंड रिसोर्स, तो ध्यान से सुनना, what kind of activities are done by the people in Palanpur to earn their livelihoods? Agriculture, canneries. Canneries of activities done by the people in Palanpur to earn their livelihoods. Transportation, very good. Okay, second. Manufacturing and small scale. Manufacturing and small scale. Yes, Divyansh. Very good. What about you? Okay, very good. Yes, Jasleen, your answer. In village Palanpur, we are here talking about a village Palanpur. Palanpur is a village, rural area. In rural areas, most developments are not occur. Yes, Jasleen, your opinion. Yes, you. Palanpur mein kaisi economics, sorry, facilities see, which help to earn their livelihoods. What kind of activities used by the people to earn their livelihoods? आरजू आप कहीं और निकल, यस यू, हाँ, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, प्राइमरी प्राइमरी के अंदर जो बाकी कैटेगरीज है वो पालमपुर रूरल एरियाज में पॉसिबल है, माइनिंग पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, लैंड एरिया कम होता है, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ऐसे टू काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज आ रहे हैं, मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट, जब आप किसी गुड्स को परचेज करते हो, यू बिकम्स एज अ कंज्यूमर, सो रिलेटेड विद द मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर जनरली डन बाय द पीपल इन अ विलेज पालनपुर, क्लियर। सो बेसिकली एज अ थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर जनरली यूज बाय पीपल विद रिलेशन टू द प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल आर ऑफ द टू टाइप्स, फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिजिकल इज व्हाट, जो स्टैटिक है, जो चेंज नहीं हो सकती, और वर्किंग कैपिटल जो काम में आ रही है, विच इज अ डायनेमिक इन नेचर। यस प्रणय, वेट, प्रणय का डाउट है, आप भी बोलो। सर इकोनॉमिक्स ये जो चैप्टर है इसमें से सविता और मिश्रीलाल जैसे स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे? स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस का कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे स्टोरी का पैराग्राफ दिया है उसके बेस पे क्वेश्चन बना होगा, ठीक है ना। जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन अटेंड करते हो इंग्लिश में, क्लियर सर। फिर ऐसे नहीं आएगा ना कि सविता की स्टोरी को एक्सप्लेन करो, ऐसे नहीं आएगा, जनरल क्वेश्चन नहीं आएगा, दे विल बी एज ए एक्सट्रैक्ट, जैसे कॉम्प्रिहेंशन में पैराग्राफ दिया होता है उस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, इन मोल्डेड फॉर्म, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा कि सविता कौन थी और पैराग्राफ में लिखा हुआ। यस दिरेन, योर क्वेरी। सर जो पीपल एज अ रिसोर्स चैप्टर है उसमें से जो उसमें से फेयर कॉपी में कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? फर्स्ट 11 कर लो, फर्स्ट 11। ओके सर, थैंक यू। I think the last 11th question is why the educated unemployed are a peculiar problem in India. 11th question. Yes, Shubh. So you said that there are two types of capital, physical capital and working capital. Haan ji. But physical capital, but the main is the physical capital because working capital and fixed capital, government and fiscal capital. Haan ji. Sir, on the fixed capital. Maine kaha capital ke andar physical capital which is not as a changeable in nature in a shorter tenure of time. Tenure time period, we can't be as a change. Working capital, जिसको आप change कर सकते हो, जिसमें raw material आता है, जिसमें आपका capital money आती है, जिसमें आपका human resource आ जाता है। हाँ जी, जो changeable नहीं है, एक बार आपने industry setup कर लिया, आप हर time उस industry को shift थोड़ा ना करोगे। आज कमनू ने industry को जलंधर में sports industry setup की है, उसके बाद दो साल बाद वो displace करके लुधियाना ले जाएगा, फिर वहां से उखाड़ के बिल्डिंग को डिमोलिश करके वो बठिंडा चले जाएगा, नॉट पॉसिबल। वो रिसोर्सेस रिलेटेड विद द प्रोडक्शन विच आर स्टैटिक विच कांट बी चेंजेबल। मशीनरी, आप इंडस्ट्री में मशीन यूज करते हो, टेक्नोलॉजी यूज करते हो, वो मशीन अगले 20 25 30 साल के लिए चलेगी, ठीक है, मेंटेनेंस होती रहेगी बट टेक्नोलॉजी वही चलती रहेगी, नॉट पॉसिबल टू चेंज द टेक्नोलॉजी। हर 2-5 साल बाद आप टेक्नोलॉजी चेंज करोगे तो आप गेन क्या करोगे, आपको तो लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। आप इन्वेस्ट मनी कर रहे हो फॉर प्रॉफिट्स, आपने इंडस्ट्री सेटअप की, जो फिजिकल क्या है, जो चेंजेबल नहीं है, जो चेंज किया जा सकता है वो वर्किंग कैपिटल। हाँ वो भी लिखें, वो भी सही है, फिजिकल वर्किंग भी सही है, फिजिकल ह्यूमन भी सही है, ठीक है। एनी अदर, चले सो नेक्स्ट, कहाँ थे, लैंड।
land resource. Land is an active factor of production, which is a limited in nature. Land use is basically influenced in India as per their demand. In a different areas, a land use is a differently used by the people. There are basically the four types of the land use as work in India, which has use in India. First is the arable land, cultivable land. First land use pattern in India is a cultivable land, arable land. That land which is comes under the agriculture. Just pay crops produce ki ja sakti. So there are two types of the arable lands, cultivable lands, net zone area, NSA, and GSA, gross zone area. हमें याद हो गया दिव्यांशी इज अ वेरी शी इज हैविंग द शार्प माइंड शी कैन लर्न द थिंग्स विद द वन एक्सैक्ट सो द नेट जोन एरिया एंड द ग्रॉस जोन एरिया नेट जोन इज व्हाट व्हेन अ लैंड यूज वंस इन अ ईयर फॉर अ प्रोडक्शन इज अ नेट जोन एरिया तो बहुत सारे लैंड इंडिया में ऐसा है जहां पर एक ही बार क्रॉप होती है बाकी जगह नहीं की जाती दोबारा नहीं की जाती देयर इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस द थ्री क्रॉप्स इन अ ईयर कैन यू टेल मी विच ऑफ द थ्री सीजन्स वंशिका Three seasons are make possibilities for a production of a three crops in a year. What are the names of such seasons? Summer is a climatic season, weather seasons hain. Main agriculture seasons ki baat kar raha hu. Jo aap keh rahe climatic season, these are the four works in India. Summer, winter, spring and autumn. Wo nahi baat kar raha hu. No? No? Divya. Kharif, Rabi and Zayad. Aapko yaad hi nahi hai. Pata tha? Okay, tell me. Which crop is basically produced in a kharif season? Wheat, okay. In rabi season? And zayad season? Wrong. Kharif season as a rice, rabi season as a wheat, and third, zayad season as a pulses. Hame yaad tha pehle. Sit down. You are living in a Punjab. Sure? Divyanshi also living in a Punjab. Divyanshi, can you tell me peas, matar, sunay honge aapne. These are generally produced in which season out of the DC? P-E-A-S. Aap maine aapko ek din pehle bataya tha, 20% it will be questions based upon your knowledge. Knowledge. It is a part of the that chapter. Maine teen seasons bataya. Kharif, Rabi and Zayad. Rabi season is a winter season. Jisme wheat ki production hoti hai. और मटर नॉर्मली पीस जनरली हैज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द विंटर्स ये रबी के अंदर आएंगे यूज योर नॉलेज यूज की वो कहते पता ही नहीं है हम पंजाब में नहीं है आप पंजाब से नहीं है ओके टेल मी ना हाँ जी दिस इज नहीं दिस इज एज एप्लीकेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट नंबर ऑफ अ क्रॉप्स विच आर अवेलेबल इन योर स्टेट इन योर सराउंडिंग्स ऑन अ पर्टिकुलर मंथ्स ऑफ द ईयर मंथ्स ऑफ द ईयर दीज आर एसोसिएटेड विद अ क्रॉपिंग सीजन एग्रीकल्चरल सीजन्स अब ये पॉसिबल नहीं है हर क्रॉप के बारे में आपको बताया जाए खरीफ के अंदर यही होती है रबी के अंदर ये कैटेगरी है मस्टर्ड फॉर एग्जांपल सिट डाउन मस्टर्ड उपाध्याय अखिलेश मस्टर्ड प्रोड्यूस इन विच एग्रीकल्चर सीजन मस्टर्ड सरसों जिसको कहते हैं किस सीजन में होता है अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन आएगा वेट वो बता रहे हैं आर यू अखिलेश उपाध्याय लक्ष्य जरत यस खरीफ सीजन में है शो Yes, you. रबी सीजन में आता है मस्टर्ड सरसों का साग नहीं सुना मैंने कहा नॉलेज यूज करनी पड़ेगी आपको कॉमन सेंस की बात है सरसों साग सर्दियों में ही बनता है दिस इज एज एप्लीकेशन ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ अ कंसेप्ट ऑन अ कंसेप्ट क्लियर अंडरस्टूड यस यू बच्चे सोइंग पीरियड उसका स्टार्ट होता है विंटर्स में नवंबर दिसंबर में ग्रोइंग पीरियड उसका जनवरी फरवरी मार्च है अप्रैल में हार्वेस्ट की जाती है जो क्रॉप हार्वेस्ट की जा रही है उसके अकॉर्डिंगली उसका सीजन नहीं होता उस टाइम पे वो रेडी हार्वेस्टिंग के बाद नई क्रॉप लगाई जाती है क्रॉप्स आर एसोसिएटेड विद देयर सोइंग पीरियड जैसे अभी अभी किसका सीजन चल रहा है वंश का बिलांस है ओनली प्रेजेंटली इज अ क्रॉपिंग सीजन ऑफ विच क्रॉप राइस की प्रोडक्शन चल रही है इट विल बी हार्वेस्ट ऑन अक्टूबर आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ अ राइस सेम क्रॉप सेम लैंड हैज यूज फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ अ वीट आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ अ वीट इन अप्रैल दैट लैंड इट विल बी यूज फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस ठीक है ना दालें प्रोड्यूस की जाएंगी हाँ वीट की सोइंग पीरियड नवंबर दिसंबर है ठीक है वो हार्वेस्ट अप्रैल में होती है
जो साग है आपके, आपका मस्टर है, इट देयर सोइंग पीरियड बिगिंस इन नवंबर दिसंबर विच हार्वेस्ट इन मार्च अप्रैल. समझ गई? थैंक यू. इसमें राइट नहीं, शुगर केन इज एनुअल क्रॉप इन इंडिया. आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है एग्रीकल्चर क्रॉप. शुगर केन विच आर सोइंग इन ऑन मंथ ऑफ जनवरी फरवरी विच आर हार्वेस्ट इन डिसंबर एंड जनवरी, एनुअल क्रॉप है. चलो इससे बाहर निकले. सो सीजन क्लियर, खरीफ रबी एंड जायद. खरीफ सीजन विच हैज बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून्स. Onset of monsoons and monsoons, they are strike over the coast of the Kerala in which month? Yes, Laksh. Monsoons. Yes, Laksh. Very good. June, first week of June, the monsoons are strike over the coast of Kerala. उसके 45-50 days के बाद वो पंजाब तक पहुंचते हैं जुलाई के मिड तक. ठीक है ना? वो सही थे. Onset of a monsoons begins the kharif season. That crop has harvest in October. October, November में वो crop harvest हो जाती है. Afterwards, the newer rabi crop, it has sowing on a November, December, which has harvest on a April and May. अब मैंने November, December, जो wheat December में sowing period start होगा जिसका, वो harvest simultaneously on a May में जाएगा उसका. जितना delay होगा, उतनी next crop में delay और होगा. ठीक है ना? हाँ जी? अप्रैल में पल्सिस डालें. वाटरमेलन हैज प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ मई एंड जून. वाटरमेलन इसी मंथ में आता है, वैसे तो पूरा साल ही अवेलेबल है. ड्यू टू एज एच वाई वी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स मेक पॉसिबिलिटीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ वेजिटेबल्स फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर. बट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर द प्रोडक्शन इट हैज कंसिडर एज अ अप्रैल एंड सॉरी मई एंड जून फॉर अ वाटरमेलन. फॉर वाटरमेलन चलिए सर्दियों में आता है एप्पल. आप नए हैं इंडिया में लग रहा है. आप प्रूव कर रहे हैं कि एप्पल आपने कभी देखा है. अप्रैल सर्दियों में आता है. इट हैज बिलोंग फ्रॉम द कोल्ड रीजन ऑफ हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर. बच्चे मैंने कहा एच वाई वी सीड्स उनकी वजह से मटेरियल्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. मटर तो आज भी मिल रहे हैं आपको. ठीक है ना? आपको समझ नहीं आ रहा है. द नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल इज विंटर. आप कह रहे हैं मैं अभी भी खा रहा हूं, आप समझ ही नहीं रहे हैं. मैंगोस के लिए टाइम पीरियड होता है जुलाई, पर मैंगोस अवेलेबल इन मार्केट्स इन जनवरी. हम नेचुरल जनरलाइज थिंग्स को फॉलो करेंगे जो जनरल नॉर्मल कंडीशंस हैं. ठीक है ना? नॉर्मली पपाया स्मॉल साइज का होता, इतने बड़े साइज का नहीं हो जाता. पॉसिबल ही नहीं है. इट कांट बी एज अ हैंग्ड ऑन अ ट्री. यूज दिस. क्लियर? कंटिन्यू. थैंक यू. सो फर्स्ट इज अरेबल लैंड नेट्स. सॉरी हाँ ठीक है, आंसर मिल गया आपको. सो फर्स्ट एरेबल लैंड हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एनएसए जीएसए, नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस सोन एरिया. नेट सोन एरिया लैंड यूज वंस इन अ ईयर फॉर अ प्रोडक्शन इज नेट सोन एरिया, एंड ग्रॉस सोन एरिया इज व्हेन लैंड हैज यूज मोर देन वंस इन अ ईयर फॉर अ प्रोडक्शन इज अ ग्रॉस सोन एरिया. एक ही एग्रीकल्चर फील्ड है, उसको साल में तीन बार यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन के लिए. दिस इज अ ग्रॉस सोन एरिया. Clear? We can increase the area under the gross zone area through the sum of the efforts. What kind of the efforts through which we can increase area under the gross zone area? GSA can increase in India. Punjab mein do crops pure saal mein lagti hain. Teen crops nahi lagai jati. Because the soils are not capable. Soils are not capable. Such soils, they can make possibility for the, with the use of fertilizers. Agar aap jyada use karoge, then the land, it can't produce as a two crops from after the 2-3 years. Agar aap teen crops produce karna start kar do. But how can we as make possibilities to increase area under GSA, gross zone area, by manures? Very good. By using application, proper application of organic matters or fertilizers through which we can increase the GSA, increase area under GSA. Very good. Renuka, any other? Huh? Ideal weather. Humans can make as a ideal weather conditions. कर सकते हैं. दिव्या कह रही हम नेचर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम रेन कर सकते हैं. दिव्यांशी रेन को ला सकती है. आइडियल वेदर कंडीशंस नॉट पॉसिबल. वी कांट इंटरफेयर इन नेचुरल एस्पेक्ट्स, नेचुरल फिनोमिनास. रेन कहाँ होनी है, कितनी होनी है, नेचर डिसाइड करती है, दिव्या नहीं डिसाइड कर सकती. ठीक, कैसे ला सकते हो आप? वेट, आप कैसे रेन ला सकते हैं? चले
उसका एक सब्सिट्यूट है जो इन्होंने कहा आइडियल वेदर कंडीशंस या फिर जो रेन है, रेन किस लिए, इरिगेशन के लिए डिजायरेबल है, वी कैन प्रोवाइड एज एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज थ्रू कैनाल इरिगेशन, थ्रू कैनाल इरिगेशन। हाँ क्या कर सकते हैं बच्चे, पंजाब का टोटल सरफेस एरिया 5086 स्क्वायर किलोमीटर पंजाब का टोटल सरफेस एरिया, उतने सरफेस एरिया के ऊपर आप आर्टिफिशियल रेन कर सकती हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? हर घर के ऊपर फिर स्प्रिंकलर ही लगे होंगे, उसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर लगेगा, कहां से वाटर इतना लाओगे जहां पंजाब में पहली डेफिशिएंसी है वाटर की, ठीक है ना। वी कैन मेक द एश्योरिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज थ्रू कैनाल इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन। वी आर हैविंग द सतलुज एंड ब्यास, टू रिवर्स आर देयर, वी कैन कंस्ट्रक्ट एज अ कैनाल्स फ्रॉम दीज टू। क्या गिरा था आपका, पेन गिरा था? Nobody will share anything. This was as a first condition marked on instructions. Not a single pen, pencil, eraser, nothing. और आप यहाँ पेन शेयर करने की बात कर रहे हैं? हाँ, yes. Assured irrigation facilities and then was said as application of fertilizers and manures. Third, multiple cropping. Very good. Through the multiple cropping, we can make surety of a production of a crops. Those lands which are not capable for a production of a crops with the multiple production of two or more than two crops on a same agriculture fields on a same agriculture season, we can make sure of the production. For example, production, excessive production of a wheat has leads to nitrogenous deficiency of nitrogenous content in soils. Nitrogen content ki deficiency ho jati hai. Yes, Azu, which type of a soil has present in your state Punjab? Wheat is a crop, bache. Soil, mitti, mrida. Can you tell me what is the process of the formation of alluvial? वो तो आंसर उसने दिया था, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ बताइए फिर। What we call to the answer is correct. Alluvial soil, which has formed through the process of very good rivers eroded, transported, and deposited the sediments along their valleys through which the alluvial soils are formed. Alluvial soils are formed. So, jo soil which has eroded, transported by the river, it will be having the deficiency of organic matter. ठीक है ना? That, हाँ हिमालयन रिवर्स हैं, फिर जब वो हिमालय से जब बहती हैं, they are not having as a nitrogenous content organic matter, it's a deficiency which can be, we can supplement through the fertilizers, हम fertilizers की help से या cow dung की help से such organic matter can increase, clear? Second, land use pattern in India is the forest land, there is a not in Punjab, all over India the vast area has comes under the forest. But desirable area, it should be as the 33% required है, पर 21% present है. आज presently forest land, जंगल कितने हैं? 21% है इंडिया के total land mass के. Desirable 33% है. अगर 33% होगा, तो weather changes नहीं होंगे. जो summers extend होते जा रहे, winters का time period shrink हो रहा है, वो ऐसे changes, climatic changes नहीं होंगे. ठीक है ना? अगर climatic changes नहीं होंगे, then it will not influence the crop production. ठीक है ना? So 33% is a desirable, present is a 21%. Third land use pattern is a land comes under the fallow land, FALLOW. NSA stands for, Divyanshi, Anand? NSA stands for? Please. NSA stands for? Yes, Vanshika? कल इन्होंने फिर कहना, आपने बताया नहीं, बताया था पर ये कहीं नहीं बताया था। सो नेट सोन एरिया SOWN. सो लेट्स वी कंटिन्यू. थर्ड इज अ फैलो लैंड, व्हेन लैंड रिमेन अनयूज्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी नेचुरली. हम लैंड को एक क्रॉप के बाद छोड़ रहे हैं, खाली छोड़ रहे हैं, थ्रू विच अ लैंड रीगेन फर्टिलिटी इन नेचुरली.
naturally is known as fallow land, FALLOW. हाँ जी, हम अगर आर्टिफिशियल यूज करेंगे इट विल बी एज अ हैजार्डस फॉर अस. मैन्योर यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट हमारी ही हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है. उन्होंने हाँ जी, मैन्योर्स रिड्यूस अ प्रोडक्शन. इफ यू यूज अ काउडंग इन अ प्रोडक्शन इट विल रिड्यूस अ प्रोडक्शन. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ बेस्ट वे फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप बट इट विल रिड्यूस द टोटल प्रोडक्शन एज पर द प्रीवियस ईयर. उन्होंने कहा फर्टिलाइजर्स इज अ सप्लीमेंट टू विच वी कैन इंश्योर एरिया अंडर द इंक्रीज एरिया अंडर ग्रॉस ओन एरिया. दिस इज एज अ गुड बट एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल सस्टेन ऑन इट. अगर किसी साल अगर उन फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करोगे देन द सॉइल इज नॉट केपेबल टू प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती. हाँ, डिपेंड सस्टेन करेगी उसके ऊपर. अगर फर्टिलाइजर नहीं यूज होगा प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा. अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो हाउ कैन द पीपल दे विल अर्न. और इनकम नहीं होगी देन पॉवर्टी, पीपल बिकम्स एज अ पुअर, दे कांट कंप्लीट देयर बेसिक नेसेसिटीज. ठीक है, रिलेटेड इंटर रिलेटेड है. ठीक है, सो द फॉर दिस पर्पस समटाइम्स अ लैंड रिमेन अनयूज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट प्रोसेस इज नोन एज फैलो लैंड. वहां पर श्रब्स उग जाएंगे, प्लांट्स उगेंगे. Such plants, when they will decompose, it will increase the fertility of soil naturally. Clear? Last category of a land use pattern in India as the land use for a non-cultivable crops. Non-cultivable crops. For example, pasture lands, grazing lands. India mein total area mein 3.75% total area has come under the grasslands. Desirable 19%, 3.75%. पैस्चर लैंड्स आर यूज फॉर अ डेयरी फार्मिंग. इंडिया में लो ग्रेडेड मिल्क प्रोडक्शन होती है. कारण क्या है? फॉर्डर की सप्लाई नहीं है, एडिक्वेट फॉर्डर सप्लाई नॉट अवेलेबल. 15.25% एरिया इट शुड बी एज अ इंक्रीज अंडर द पैस्चर लैंड्स. अगर करते हैं देन मिल्क प्रोडक्शन इट विल बी एज अ हायर इन इंडिया एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज. फॉर्डर नहीं है. अब उसका सप्लीमेंट क्या है? द आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप द रिमेन ऑफ अ एग्रीकल्चर क्रॉप हस्क इट हैज यूज एज अ फॉर्डर. उससे मिल्क की प्रोडक्शन कम हो गई. आप देखते हैं यूरोपियन काउस बफलो इज गिवन एज अ 60 टू 80 लीटर्स इन अ डे मिल्क काउस, बट इन इंडिया द एवरेज काउ हैज गिवन एज अ 9 लीटर्स इन अ डे. 10, 11, 9. व्हाई? बिकॉज एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट गिवन टू द एनिमल्स. ठीक है ना? अब वो कह रहे हैं इंजेक्शन लगवा दो, इंजेक्शन से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगी, बट इट विल बी फॉर अ शॉर्टर टेन्योर. सच केमिकल कंपोनेंट्स इट विल बी द हैजार्डस फॉर आवर हेल्थ. अगर आप यूरिया नाइट्रोजनस कंटेंट फर्टिलाइजर्स यूज ज्यादा करोगे वो आपकी ही हेल्थ पे इंपैक्ट डालेंगे. ठीक है ना? चले आगे. सो दीज आर द लैंड यूज पैटर्न, लैंड रिसोर्स. स्टिल देयर एनी क्वेश्चंस? लैंड रिसोर्स. नेक्स्ट इज द लेबर. लेबर, लेबर इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहा मैंने, इंपॉर्टेंट फैक्टर. बिकॉज लेबर देयर आर बेसिकली एज अ टू काइंड ऑफ लेबर. नित्या, वट काइंड ऑफ द लेबर कैटेगरीज आर प्रेजेंट इन एग्रीकल्चर? Agriculture sector required a which type of a labor? Option A, skilled labor. Option B, unskilled labor. Option C, professionally qualified labor. Option D, none. Skilled labor, यानी कि for the sowing purposes, जब फसल लगानी है, rice का plant, it has sowed by the farmers or either the harvest by the farmers. They needs as a professionally qualified individuals. आपने मास्टर्स डिग्री की है, आइए आकर ना वीट को काटिए. इज दिस द लॉजिकल? इज दिस अ लॉजिकल? अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर फॉर पिकिंग, फॉर प्लकिंग द कॉटन बॉल्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट. आपने मास्टर्स की है, ग्रेजुएट है, आइए. इट लुक्स लाइक एज अ ह्यूमस. ये हंसी वाली बात है. सो अनस्किल्ड लेबर डिजायरेबल. जस्टिन कुछ कहना चाहती है? बोलिए. यही था आंसर, अनस्किल्ड लेबर. अनस्किल्ड, अगर वो स्किल्ड होगी, लेबर इज अ स्किल्ड, इट कैन रन एज अ मशीन. व्हाई? इट विल बी एज प्रेफर टू मूव टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर. दे विल मूव टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर वेयर द इनकम इंसेंटिव इज अ मोर कंपैरेटिवली एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर वेयर द इनकम एज जनरेट्स आफ्टर द 6 months. हार्वेस्ट होगा, फसल कटेगी, तभी मिलेगा इनकम. पर इंडस्ट्रीज में इनकम मंथली बेसिस मिल सकती है. व्हाई डू द पर्सन, द स्किल्ड पर्सन विल मूव टुवर्ड्स द agriculture, it will move towards the industrial sector. Yes. हाँ जी, उसके लिए
a farmer having as a 1 acre of a land, it will be a professionally qualified person will hire. हाँ जी अच्छा जो skilled workforce है पढ़ा लिखा बंदा है वो जाके agriculture 1 acre 1.5 acre के अंदर that person which is as a skillful for example ye keh rahe hain jaise craftsman hai a carpenter for example carpenter it has also if a carpenter is there it has having as a skill why it will be moved towards agriculture sector it's having the other option of their work carpenter ke baad to pehle kaam hoga kya wo unemployed hai it may be as a self employed or that dependent on others kahin kaam kar raha hoga ya fir apni uski koi shop hogi jahan wo apna furniture stick ya fir benches bana raha hai ठीक है वो डिपेंडेंट क्यों होगा सोचने वाली बात तो इट इज रिलेटेड विद योर लाइफ यस हाँ जी वो जो लिसन वो कह रही रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज अकर इन एग्रीकल्चर सेक्टर इट इज बेस्ड ऑन अ स्किल्ड वर्कफोर्स दीज आर अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड विच आर वर्क इन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज दे आर नीदर प्रोड्यूस द गुड्स मैंने फार्मिंग सेक्टर का एग्रीकल्चर का ठीक है ना दे वर्क फॉर द एडवांसमेंट व्हाट मॉडर्नाइजेशन आर अकर्ड इन एग्रीकल्चर उसके लिए वो स्किल्ड वर्कफोर्स काम कर रहे हैं एफिशिएंट वर्कफोर्स वो नहीं है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर्स है ठीक है ना चले आगे एनीबडी एल्स स्टिल देयर एनी क्वेश्चन चले आगे सो नेक्स्ट इन लेबर द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड टू काइंड्स ऑफ द लेबरर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोडक्शन Skilled and unskilled, two categories of laborers are used for a production. For a low graded works where the income possibilities are the lower. For example, as agriculture, for example, as a dairy farming, there as the unskilled laborers are work in industries, in processing units associated with agriculture, the skilled labor desired. Clear? Thank you for today.